हेलो फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रखा था और लास्ट डे है मामा जी के घर। फिर सुबह उठने के बाद जाते हैं नीचे, नीचे जाकर देखते हैं तो रानी किचन में से चाय बना रही थी, साथ में मौसी कुछ सब्जी वगैरह बना रही थी। फिर हम आ जाते हैं दलान में और दलान में देखते हैं राजन किसी गहन अध्ययन में खोया हुआ था और भाई भी बैठे हुए थे साथ में, भैया भी थे। बाहर में तनुष कुछ इंपॉर्टेंट कॉल पर लगा हुआ था अपने और पीछे से मामी जी आवाज़ दे रही थी। आज हम लोग को जाना था गोरखपुर एयरपोर्ट दीदी जिया जी को और भाभी भैया को छोड़ने के लिए। फिर हम लोग बिहार का फेमस ब्रेकफास्ट यानी कि दही चूड़ा खाए थे, काफ़ी हैवी और हेल्दी होता है। और यहाँ पे भाभी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी और अपना कुछ प्यारा सा एक्सप्रेशन भी दी। फिर टाइम आ गया विदाई का, यानी कि दीदी और भाभी का विदाई होना था। भाभी जा रही है डेनमार्क और दीदी जा रही थी जयपुर के लिए। फिर सभी एक दूसरे को प्रणाम किए, उसके बाद से जो भी होता है ना विदाई वगैरह का काम वो शुरू हो गया था। तो मामी जी दीदी को जो होता है लाइक आंचल में कुछ दे रही थी, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये वाला। और फिर सभी के आँख में आंसू भी आ गए थे। फिर भाभी की टर्न आई, फिर भाभी को मामी जी ने दिया। फाइनली सब तैयार हो गए थे और यहाँ पे जीजा जी ने प्यारा से स्माइल दिया था। फिर वो निकल लिए थे एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ मिला, जाम मिला। फिर हम लोग इन्जॉय करते मस्ती करते हुए निकल लिए थे। यहाँ पर हम तीनों भाई बैठे हुए थे, सिक्कू भैया, राजू भैया। सिक्कू दिल्ली छोड़ने जा रहे थे, राजू भैया डेनमार्क जा रहे थे। फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए गोरखपुर एयरपोर्ट पे। वैसे ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक ही काम चल जाता है यहाँ के एयरपोर्ट से। फिर यहाँ पे जो भी लगेज वगैरह हम उतार लिए गाड़ी से और यहाँ पे भाभी भैया सिक्कू भैया सब लोग खड़े थे। हम सबको काफ़ी अजीब सा लग रहा था कि सब जा रहे हैं, बिकॉज सब कई दिन से एक साथ थे और काफ़ी मस्ती कर रहे थे साथ में। फाइनली पूरे लोग चले गए थे एयरपोर्ट के अंदर और हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। गोरखपुर से आगे जाते समय ना कुसमी जंगल पड़ता है, तो यहाँ पे ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना एक बुढ़िया माता करके मंदिर है और साथ में ना काफ़ी ढेर सारे जानवर भी, एक जू टाइप का भी है दूसरे साइड में। यहाँ पे साल का वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पेड़ पौधा। फिर हम निकल लिए थे घर के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए राम राम। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।